वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों के साथ ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। क्या हमें ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हमारे इंडिया में जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्या इस ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है? यूजीसी का क्या कहना है इस बारे में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ता चला जा रहा है, बहुत सारी एडटेक कंपनियां हैं जो यूनिवर्सिटी होती है, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज के साथ मिल करके ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्राम्स चला रही हैं। और क्योंकि आजकल जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अगर आप एक बार पीएचडी लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने हजारों एड आ जाएंगे जो आपको उस तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप पीएचडी भी कर सकते हैं, घर बैठे पीएचडी कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है इंडिया जैसी कंट्री में कि हम अपने घर पर बैठ करके पीएचडी कर सकते हैं किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से? तो इसी चीज को समझने के लिए और इसे क्लियरिफाई करने के लिए यूजीसी ने एक लेटेस्ट सर्कुलर निकाला है जिसे आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक नेट एस्पिरेंट हैं, आप पीएचडी को टारगेट कर रहे हैं कि आप आने वाले समय में पीएचडी करेंगे एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो चलिए वो क्या नोटिफिकेशन है, क्या वो ऑनलाइन पीएचडी को सपोर्ट करता है, ये देखते हैं। ओके, राइट। सो ये जो नोटिफिकेशन है, ये 27th ऑफ अक्टूबर, मतलब कि एक दिन पहले ही पेपर में पब्लिश हुआ है, राइट। टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने इस कटआउट को लिया हुआ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली दैट पब्लिक नोटिफिकेशन में यूजीसी ने क्या क्लियर किया है। यूजीसी एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने that in order to maintain the standards for award of PhD degrees, the UGC has notified UGC minimum standards and procedure for award of MPhil PhD degrees, regulations 2016, right? So UGC ke kuch minimum standard hai, right? Un standards ko follow karte hue wo MPhil aur PhD degrees jo hai लोगों को अवार्ड करते हैं, और ये 2016 के जो रेगुलेशन है उसके मुताबिक है, राइट। अब आगे क्या कहता है यूजीसी इसमें, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू फॉलो यूजीसी रेगुलेशन एंड इट्स अमेंडमेंट्स फॉर अवार्डिंग पीएचडी डिग्रीज। और हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जरूरी है कि ये रेगुलेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड जो बताए गए हैं 2016 के अकॉर्डिंग, राइट, रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग ये इंस्टीट्यूट को फॉलो करने हैं, राइट। अब अगर आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे तो अराउंड 18 पेज के वो स्टैंडर्ड है। ऑनलाइन पीएचडी को वो सपोर्ट करते हैं या नहीं, सो आप क्लियरली समझ लें कि इंडिया में या इंडियन यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन पीएचडी कराने का कोई भी अधिकार यूजीसी ने नहीं दिया है, और ना ही यूजीसी ये कहती है कि कोई इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके पीएचडी प्रोग्राम करवाएगा और वो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड होगा, राइट। सो ये ऑनलाइन पीएचडी सिर्फ एक झमेला है, इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, राइट। अभी आने वाले दिनों में मैं अपने तरीके से जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, जो प्रोसीजर है, कहाँ आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वो सभी चीजें डिस्कस करूंगी, राइट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या इसी वीडियो के नीचे आपको वो अपकमिंग वीडियो की लिंक मिलेगी। नाउ बात करें इस पब्लिक नोटिफिकेशन में यूजीसी और क्या कहता है। स्टूडेंट्स एंड पब्लिक एट लार्ज आर हियरबाय एडवाइज्ड नॉट टू मिसलीड बाय एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय एजुटेक कंपनीज इन कोलैबोरेशन विद foreign educational institute.
ऐसी कोई भी कंपनी, एडटेक कंपनी जो आपको ये कहती है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट से हम रिकॉग्नाइज्ड हैं, वहां से हम आपको डिग्री देंगे, वो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगी। उस डिग्री को, उस पीएचडी अवार्ड को ले जा करके आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाएंगे। बी क्लियर ऑन दिस। तो आपको किसी भी इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। एस्पायरिंग स्टूडेंट्स एंड पब्लिक एट लार्ज आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई अथॉरिटी ऑफ पीएचडी प्रोग्राम एज पर द यूजीसी रेगुलेशन 2016 बिफोर टेकिंग एडमिशन, राइट। और अगर मैं आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश करूं कि जो यूजीसी रेगुलेशन 2016 है, वो ये कहता है कि किसी भी पीएचडी प्रोग्राम की जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स है, जिसमें से 2 इयर्स रिसर्च के हैं, 1 ईयर आपका जो है 1 to 6 ईयर जो है आपका कोर्स प्रोग्राम है जो कि इन कैंपस होगा, राइट। वहां पर ये भी बताया गया है कि आपके सुपरवाइजर किस तरह के होने चाहिए, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हर एक चीज वहां पर बहुत क्लियरली लिखी हुई है जो कि बहुत जल्द हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑनलाइन पीएचडी के चक्कर में आप ना ही पढ़े तो बेहतर है, राइट। यस, ऑनलाइन कोर्सेज आप वो कर सकते हैं जिससे आपकी स्किल्स बढ़ेगी। अगर आपको कंप्यूटर आता है सो आप और अच्छे से कंप्यूटर सीख सकते हैं। बट इफ यू आर थिंकिंग कि आप कोई बीएड कर लेंगे, एमएड कर लेंगे या पीएचडी कर लेंगे, सो सॉरी फॉर दैट। ये सभी चीजें जो हैं ये प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, ये आपको कॉलेज कैंपस में जाकर के, फील्ड में जाकर के ही सीखना होगा, राइट। सो ऑनलाइन पीएचडी यूजीसी रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ना ही इंडिया में और ना ही किसी अदर फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन। ओके, अगर इसके बाद भी आपकी कोई डाउट है सो यू कैन टाइप इन योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स, राइट। वहां नीचे जो कमेंट ऑप्शंस है वहां पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी उन सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की, या फिर नीचे ही ईमेल आईडी एंड फोन नंबर भी है, आप वहां पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड यस, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो सो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।